दोस्तों, अगर आप भी किसी दूसरे मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में सुनना चाहते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, आप किसी के भी मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में सुन सकते हो। कैसे सुनना है, क्या करना है आपको, क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको जिस मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में सुननी है तो आपको उसका मोबाइल लेना होगा। मोबाइल लेने के बाद आपको उसका डायलर पैड ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक कोड डायल करना होगा। कोड होगा दोस्तों *21*। इतना डालने के बाद अब आपको यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने डाल दिया यहाँ पर *21*। इतना डाल दिया। इतना डालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डायल करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर हैश पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो *21* मोबाइल नंबर डायल करना है, हैश पर क्लिक करना है। हैश डालने के बाद आपको यहाँ से डायल कर देना है। इस नंबर को आप जैसे ही डायल करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारी जो कॉल है वो फॉरवर्डिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। आपको यहाँ पर एक पॉपअप मिल जाएगा, कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो, अब आपके पास जब भी इस नंबर पर कोई कॉल करेगा तो वो आप आसानी से सुन सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इसे हटाना है, अपनी जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो आप चाहते हैं कि हम इसे हटा दें, आपको इस कॉल को नहीं सुनना है, तो आपको क्या करना है, आपको उस व्यक्ति का फिर से फ़ोन लेना है। फ़ोन लेने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ देख सकते हो कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग। अब आपको उस सिम को सेलेक्ट करना है, वॉइस कॉल पर क्लिक कर देना है। वॉइस कॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा, आपको कुछ सेकेंड वेट करना है। अब आप यहां पर देख सकते हो ऑलवेज फॉरवर्ड, यहां पर इस नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग की गई थी, तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां से इसे हटा सकते हो, टर्न ऑफ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही टर्न ऑफ पर क्लिक करोगे तो अब आप इसकी जो कॉल है वो उसे नहीं सुन सकते हैं दोस्तों। तो आपको हमने दोनों तरीके बता दिए हैं, किस तरीके से आपको कॉल फॉरवर्ड करना है और किस तरीके से आपको कॉल को अनफॉरवर्ड करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। फिर भी आपका कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।